हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एट फर्स्ट हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड यू नो आवर रनिंग चैप्टर इज ट्रेन्स, राइट? करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 3। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। यहाँ 1 वर्ड दिया है, इसके लिए हमें 3 राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट इज मेल। मेल का राइमिंग वर्ड राइट किया हमने फेल, शेल, टेल। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन, ट्रेन, ड्रेन, ब्रेन। ओके, द नेक्स्ट इज ड्राइवर, रिवर, फीवर, लीवर। ओके, फोर्थ इज डार, बार, शार, मार। द लास्ट इज डस, टस, रस, मस। ओके, और जो भी हम जब भी राइमिंग वर्ड बनाते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में ऐसे ही राइमिंग वर्ड जैसे 2 लेटर सेम सेम करके बस विदाउट मीनिंग वाले भी वर्ड्स आपने राइट किए हैं। हमें राइमिंग वर्ड्स में राइमिंग के साथ साथ उससे कुछ मीनिंग भी निकलनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स राइट करने होते हैं। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पर जो मैंने राइमिंग वर्ड्स राइट कराए हैं आपको इन सब की मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, इन सभी वर्ड्स की आपको मीनिंग फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट इज राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन और अ जर्नी बाय बस। 5 सेंटेंसेस राइट करना है ट्रेन जर्नी या फिर बस जर्नी के बारे में। तो ये हमने टेक्स्ट बुक में भी राइट किया है, वही इसमें राइट करना है हमें। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो टू न्यू दिल्ली। आपने जो भी जर्नी की है, ट्रेन से की है या फिर बस से की है, जिससे भी की है, जिस भी ट्रेवल्स से आपने जर्नी की है, आपको क्या करना है उसके बारे में यहाँ 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं। ओके, There were many people at the railway station. There were crowded tea stalls at the station. We purchased the tickets and reached the platform next to the train in which we had to get in. We went inside the train and after some time it gave a long whistle. It left the station. I was sitting near the window. We crossed a big river and hundreds of big and small trees, hills, etc. It was a great journey. Okay, यहाँ पर ट्रेन की जर्नी के बारे में हमने राइट किया है। आपने सपोज बस से जर्नी की है या आप जिस भी प्लेस के आपने जर्नी की है उसके बारे में आप राइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स इन द करेक्ट कॉलम। टेक्स्ट बुक में जो हमने राइट किया है वही इसमें है। हमें यहाँ सम व्हीकल्स दिए हैं, उन्हें करेक्ट प्लेस पर राइट करना है। लैंड पर चलने वाले व्हीकल्स, वाटर में चलने वाले व्हीकल्स और एयर में चलने वाले व्हीकल्स। ओके, कार,
लैंड व्हीकल हेलीकॉप्टर, एयर में शीप, इन वाटर ट्रेन, लैंड में आएगा ये बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट ये भी लैंड पर चलती है, जो बैलगाड़ी होती है ना, बुलॉक कार्ट मीन्स क्या होता है, बैलगाड़ी। बोट ये वाटर में चलती है, एरोप्लेन ये एयर में चलता है, एंड ट्रक ये कहाँ चलता है, लैंड पर चलता है, जमीन पर चलता है। ओके ये डिवाइड कर लिया हमने। देन आफ्टर है नेम द लैंड फॉर्म्स, नेम द लैंड फॉर्म्स, यहाँ सम लैंड फॉर्म्स के नेम दिए हैं हमें, पिक्चर्स देख के उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड उनके नेम राइट करने हैं। ओके लाइक दिस, एट फर्स्ट नेम राइट कर लेते हैं, नेम रीड कर लेते हैं, प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट, वैली, आइलैंड, हिल। ओके सी द पिक्चर केयरफुली, दिस इज अ माउंटेन, वैली, हिल, प्लेन्स, आइलैंड एंड डेजर्ट। आइलैंड मीन्स जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हो, मीन्स चारों तरफ जिसके क्या हो, वाटर हो और बीच में क्या हो, प्लेस हो जहाँ लैंड हो। ओके चारों ओर वाटर हो और यहाँ पर क्या हो, बीच में लैंड हो, वो होता है आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। एंड दिस डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ओके सीप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है, टेल मी डियर स्टूडेंट्स, सीप ऑफ डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान का जहाज। किस एनिमल को कहा जाता है, इसका आंसर है कैमल। जो कैमल होता है, कैमल मीन्स ऊंट, इसे बोला जाता है सीप ऑफ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज, बिकॉज जो ऊंट होता है, कैमल होता है, यू नो वेरी वेल के जो डेजर्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, सैंड ही सैंड होती है, मतलब रेत ही रेत होती है, राइट। तो वहाँ पर जो चलना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना कैसा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक तो हम खुद ही जा सकते हैं, या फिर हमें जो है हमारा जो सामान होता है उसे ले जाने में दिक्कत होती है, बिकॉज वहाँ पर जैसे आपने जब कभी आपने देखा होगा सैंड में चलने की कोशिश की होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो फुट होते हैं वो सिंक होते चले जाते हैं, मतलब अंदर ऐसे धंसते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, है ना, बिकॉज जो रेत होती है उसमें चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर जो सामान ले जाने के लिए फिर जो ये कैमल होता है उसका यूज़ किया जाता है, मतलब कैमल के ऊपर सामान लाद दिया जाता है और फिर क्या करते हैं लोग, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, बिकॉज जो कैमल होता है उसके फीट कैसे होते हैं, पैडेड फीट होते हैं। पैडेड मीन्स होता है गद्देदार, जैसे आपने कैमल देखा है, तो जो कैमल होता है उसके फिट कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, मीन्स गद्देदार होते हैं, जिससे कि वो जो सैंड होती है, रेत होती है, उसमें सिंक नहीं हो पाते हैं, उसमें धंसते नहीं हैं, और वो इजीली रेत पर भी चल जाता है, चल पाता है, इसलिए जो है उसे बोला जाता है सीप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। और आप सभी को पता ही है कि जहाँ पर डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ पर लैक ऑफ वाटर भी होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और ऐसे सिचुएशन में जो अदर एनिमल्स होते हैं वो क्या, उन्हें ज़्यादा वाटर की नीड होती है, बट जो कैमल होता है वो कैमल क्या करता है, काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। जो कैमल होता है वो काफ़ी दिनों तक विदाउट वाटर रह जाता है, बिकॉज जब वो एक बार वाटर ड्रिंक करता है, तो जो जब अपने कैमल को देखा है सभी ने, कैमल के ऊपर ऐसे एक जो उसकी बैक होती है उसके ऊपर एक ऊंचा सा पोर्शन होता है जिसे हम्प बोला जाता है। हम्प मीन्स होता है कुबड़, जैसे कैमल होता है तो यहाँ पर जैसे उसका क्या होता है, ये ऐसे थोड़ा ऊंचा पोर्शन होता है यहाँ पर जिसे हम बोला जाता है, मीन्स कुबड़ बोला जाता है, उसका कुबड़ होता है, वो हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो उसमें क्या करता है, वो वाटर को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है,
है ना, और फिर जब कभी टाइम टू टाइम उसे ज़रूरत होती है तो वो वहाँ का वाटर यूज़ कर लेता है। ऐसे वो काफ़ी दिनों तक जो है विदाउट वाटर रह लेता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन थोड़ा यहाँ पर जो डेजर्ट कहा गया है इसके बारे में। सीपॉप डेजर्ट जो है कैमल को बोला जाता है। ओके देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 ट्रेन्स, जिसका हमारा टॉपिक था ट्रेन्स, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ऑल जो है इसके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। देन आफ्टर वर्कबुक में भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने उन सभी को फिलअप कर लिया है, राइट। आई थिंक यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी ने फिलअप कर लिया होगा। एंड आप जो भी लेक्चर हमारा चलता है उसे केयरफुली सुना कीजिए और ध्यान से समझिए उसको कि क्या बोला जाता है। ओके तो यहाँ पर जो यूनिट 6 का पार्ट 1 ट्रेन से वो कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सो नेक्स्ट चैप्टर इज ये यूनिट, आपको सभी को पता है यू नो वेरी वेल कि आपके एवरी यूनिट में 2-2 चैप्टर है हर यूनिट में, राइट। वैसे जो यूनिट 6 है इसमें भी 2 चैप्टर है, फर्स्ट था ट्रेन्स, अब सेकेंड है पार्ट 2 द स्टोरी ऑफ द रोड। रोड यू नो रोड मीन्स जहाँ से हम जाते आते रहते हैं, है ना, जो रास्ता होता है रोड, है ना। तो इसकी स्टोरी के बारे में हमें रीड करना है। इससे पहले आपने कभी रोड की स्टोरी सुनी है? ओके सुनी है तो भी हम हमारे सिलेबस में जो स्टोरी दी है उसे रीड करेंगे। ओके इट इज अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज अस्लीप, एवरीथिंग इज क्वाइट। क्या आपने कभी सुना था इससे पहले कि जो रोड है वो भी सोती है? टेल मी, क्या सुना था आपने कभी कि रोड भी कभी सोती है, स्लीप करती है? नहीं सुना था ना। तो इस स्टोरी में उसी के ऊपर स्टोरी है। इट इज अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज अस्लीप, एवरीथिंग इज क्वाइट। क्वाइट QUIET क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत। यह जो है अर्ली मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह सुबह की, एकदम जो सुबह होती है ना उसे बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग। ओके तो इट इज अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज अस्लीप मीन्स अर्ली मॉर्निंग जो रोड है वो क्या कर रही थी, स्लीप कर रही थी, सो रही थी। एवरीथिंग इज क्वाइट और पूरा जो है सब कुछ क्या था, एकदम शांत था। बिकॉज सभी लोग क्या होते हैं कि नाइट में सभी लोग अपने अपने होम रिटर्न हो जाते हैं और सभी लोग स्लीप करते हैं नाइट में, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग तो सभी लोग रोड पर निकल कर नहीं आते ना, थोड़ा लेट ही आते हैं। तो ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग थी और जो रोड है वो स्लिप कर रही थी। अब स्लिप कर रही थी मीन्स क्या, रोड भी ऐसे सोने जाती है क्या? नो, स्लिप करना मीन्स क्या हो गया कि जब उस पर कोई, मतलब वहाँ से कोई आ जा नहीं रहा है तो वो हो गया उसका रोड का स्लिप करना। ओके एवरीथिंग इज क्वाइट, सब कुछ क्या था, एकदम शांत था। बट लिसन मीन्स होता है सुनना। ओके लिसन मीन्स सुनना एंड बेटा आपको इसमें मैं जो भी डिफिकल्ट मीनिंग आपको बताती हूँ लाइक दिस, मैंने क्वाइट के बताया तो आप क्या करेंगे, आप इससे रिमेम्बर रखेंगे। और ऐसे ही क्या होता है कि हमें रिमेम्बर नहीं रहता है, हम कुछ समय बाद जो है भूल जाते हैं, थोड़ी देर रहता है उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आप क्या करिए, जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं उस समय अपने पास एक पेंसिल और इरेजर रखिए, और वो भी पेंसिल शार्प करके रखना है, बार बार बस वो इरेज करने चले जाते हैं आप और शार्प करते रहते हैं। तो आपको पेंसिल रखना है और वन इरेजर रखना है। जो भी टीचर आपको जिस भी वर्ड की डिफ़िकल्ट मीनिंग बताते हैं आप क्या करिए, उसे उसी के नीचे राइट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस सेंटेंस को केयरफुली समझ जाएंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। इससे आपको जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं या फिर जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उससे हमें ईजीली क्या होता है, वो समझ आ जाता है।
ओके. लिसन मीन्स होता है सुनना. द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली. चीरप 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 सेड द स्पैरो. चीरप 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 कॉ 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 सेड द क्रो. कॉ 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 वेकअप वेकअप. बट लिसन मीन्स पर सुनो. द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली. बट जो है रोड तो क्या कर रही है, स्लिप कर रही है. बट जो बर्ड्स है वो सॉफ्टली मीन्स धीमे धीमे कॉलिंग कर रही है, बुला रही है. क्या बुला रही है? चिरप चिरप चिरप. चिरप मीन्स होता है चहचहाना. चिरप मीन्स चहचहाना. लाइक दिस आपने बर्ड्स को चहचहाते हुए सुना होगा, तो उनके जो चहचहाना है उसे बोला जाता है चिरप. तो जो बर्ड्स क्या कह रही है, बर्ड्स मीन्स स्पैरोज. ओके, तो जो स्पैरोज है वो क्या कह रही है? चिरप चिरप चिरप. काउ 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 सेज द क्रो. क्रो मीन्स कौवा. आप सभी ने क्रो का साउंड तो सुना ही होगा. क्या करते रहता है क्रो? काउ काउ काउ, राइट. तो क्रो भी क्या कर रहा है? क्रो कह रहा है काउ काउ काउ. काउ काउ वेकअप वेकअप मीन्स वो कह रहा है उठ जाओ उठ जाओ. हियर इज समवन एल्स नाउ ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. इट इज द न्यूज़पेपर बॉय. अब बोल रहा है कि यहाँ पर और कोई भी है. अब जो है यहाँ पर हियर इज समवन एल्स नाउ. अब यहाँ पर और कोई भी है. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग इट इज द न्यूज़पेपर बॉय. अब ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग की आवाज आई. किसकी आवाज आई? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग इट इज द न्यूज़पेपर बॉय. और यह कौन था, कौन कर रहा था ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग? न्यूज़पेपर बॉय, जो एवरी अर्ली मॉर्निंग क्या करता है, सभी के होम में न्यूज़पेपर देता है, राइट. आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारे भी होम में अर्ली मॉर्निंग क्या आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं. और इसे कौन छोड़ के जाता है? जो न्यूज़पेपर छोड़ने वाला बॉय या फिर जो मैन होता है वो क्या करता है, सभी के होम में ऐसे न्यूज़पेपर थ्रो करके जाता है या फिर अंदर आके दे के जाता है, डोर से डाल देता है. बिकॉज काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, जब वो इतनी सुबह सुबह निकलता है कि काफ़ी सारे लोग जगने के ही रहते हैं, तो वो क्या करता है, उनके होम में डाल देता है, राइट. तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग इट इज़ द न्यूज़पेपर. अब यहाँ पर कोई है तो वो कौन है? न्यूज़पेपर बॉय. और वो क्या कर रहा है? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. और ये जो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग किसका साउंड है? जो उसकी बाइसिकल है, मीन्स जो उसकी साइकिल है, उसकी बेल लगी होती है बाइसिकल में. आप सभी भी जो बाइसिकल चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो उसमें एक घंटी लगी होती है ना. और जब हम उसे बजाते हैं तो वही जो न्यूज़पेपर बॉय की बाइसिकल की जो बेल है वो क्या कर रही? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज द बाइसिकल, राइट. बताया मैंने कि जो बाइसिकल है वो क्या कह रही है, उसकी ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. ट्रिंगलिंग वेकअप. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग करके क्या कर रही है, क्या बोल रही है? वेकअप वेकअप उठ जाओ उठ जाओ. चिरप चिरप से द स्पैरोज. चिरप चिरप. और बर्ड्स स्पैरोज कह रही है चिरप चिरप. कॉ कॉ सेज द क्रो. वेकअप. और जो क्रो है वो कॉ कॉ करके कह के क्या बोल रहा है सभी को? वेकअप होने के लिए कह रहा है, उठने के लिए कह रहा है. ओके. Who is this coming now? It is the vegetable man. Peas, cauliflowers, cabbages, says the vegetable man. Who is this coming now? अब कौन आ रहा है? अब बोल रहे वो कि अब यह
कौन आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे जो लोग हैं, वैकअप वैकअप किसे बोल रहे हैं, रोड को बोल रहे हैं। ओके, बिकॉज जो रोड है अभी कैसी थी, एकदम क्वाइट थे, बिकॉज वहाँ पर जो आने जाने वाले लोग थे उनकी क्वांटिटी कम थी अभी, मतलब काफ़ी सभी लोग जो है रोड से आना जाना नहीं कर रहे थे, तो रोड कैसी थी, क्वाइट थी, शांत थी। तो सभी जो सबसे पहले जो आते हैं लाइक अ बर्ड, स्पैरो, काउ एंड जो न्यूज़पेपर बॉय, ये सभी क्या कर रहे हैं, बेल बजा के या आवाज़ करके उस रोड को बोल रहे हैं वैकअप वैकअप, मीन्स उठ जाओ, अब उठ जाओ। अब हु इज दिस कमिंग नाउ, अब रोड कह रही है कि अब कौन आ रहा है, इट इज द वेजिटेबल मैन। यह कौन है, वेजिटेबल मैन मीन्स सब्जी वाला, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता है सब्जी वाला। एंड आपने जैसे देखा होगा कि हमारे जो स्ट्रीट में वेजिटेबल मैन आता है और वो फिर उसके पास में जो भी वेजिटेबल होती है उनका नेम ले लेके बोलता है, पीज, कॉलीफ्लावर, कैबेजेस, से द वेजिटेबल मैन। तो वो जो वेजिटेबल मैन है उसके पास जो वेजिटेबल्स थी, पीज मीन्स होता है मटर, PEAS, पीज मीन्स मटर, कॉलीफ्लावर मीन्स फुल गोभी, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। ओके, ऐसे वेजिटेबल्स का नेम लेके वो कहता है, पोटेटोज, पोटेटोज, ककम्बर्स, रेडिसेस, कैरेट्स, और क्या है उसके पास, पोटेटोज है मीन्स आलू है, ककम्बर्स मीन्स होता है, कुकम्बर्स मीन्स ककड़ी। ओके, कुकम्बर्स है, रेडिसेस मीन्स मूलियाँ है उसके पास, एंड कैरोट्स मीन्स गाजर भी है। ओके, वेजिटेबल मेन के पास जो है पीज है, कॉलीफ्लावर्स है, कैबेज है, पोटेटो, ककम्बर, रेडिस एंड कैरोट्स, इतनी सारी वेजिटेबल्स उसके पास है। काउ सेज द क्रो वेक अप, चिरप चिरप सेज द स्पैरो, मीन्स जो क्रो है वो काउ काउ करके उसे जगा रहा है, एंड जो स्पैरो है वो चिरप चिरप मतलब चहचहा के उन्हें जगा रही है, रोड को जगा रही है। देन आफ्टर ट्रैम 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 ट्रैम, चैटर 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 चैटर, हु आर दिस, अब जो रोड है उसे ट्रैम ट्रैम एंड चैटर चैटर की आवाज़ आने लगी, तो वो बोलती है हु आर दिस, अब यह वह जो है ये कौन है, हु आर दिस, ये कौन है, टेल मी डियर स्टूडेंट्स, गेस करिए। तो ट्रैम ट्रैम एंड चैटर चैटर का जो साउंड आ रहा है, तो अब ये किसका साउंड होगा, थिंक, सोचिए। नेक्स्ट करते हैं, दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, ये वे कौन थे, जो स्कूल जा रहे बच्चे थे, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, ये क्या है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स मैनी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे। ओके, तो दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, मतलब वे क्या है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चैटर चैटर चैटर, टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन बातें करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चैटर। ओके, चैटर चैटर, टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, और ये स्कूल चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे बातें कर रहे हैं। ट्रैम ट्रैम ट्रैम, गो देयर शूज, और जब वो वॉक करते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, तो आपने जैसे शूज की आवाज़ सुनी, टप 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 ऐसे आती है शूज की आवाज़, तो वही उसे बोला जाता है ट्रैम ट्रैम ट्रैम। ओके, ट्रैम ट्रैम ट्रैम, गो देयर शूज, और जब वो चल रहे हैं तो उनके शूज से आवाजें आ रही है। पीस कैरोट्स कैबेजेस, कॉल्स द वेजिटेबल मैन, मटर गाजर गोभी, कॉल्स द वेजिटेबल मैन, और जो वेजिटेबल मैन जो है अपने पास जो उसके पास वेजिटेबल्स है उनका नेम लेके क्या कर रहा है, सभी को कॉल कर रहा है। ओके, देन
चेरप 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 से द स्पैरोज, काव 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 सेज द क्रो, वेक अप। जो स्पैरोज है वो बोल रही है चेरप चेरप चेरप, एंड जो क्रो है वो कह रहा है काव 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 से द क्रो, वेक अप, उठ जाओ उठ जाओ। काव 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 सेज द क्रो, काव काव वेक अप। अभी जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है तो क्रो आ जाता है और काव 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 करते रहता है, ऐसे ही वो भी रोड को भी क्या कर रहा है, वो बैकअप करा रहा है, जगा रहा है। बैकअप, आस्क द रोड, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। वो बोल रही है बैकअप, उठ जाओ। आस्क द रोड, रोड पूछ रही है उसे, उठ जाओ। कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, क्या तुम नहीं देख सकते, फुलिस मीन्स होता है मूर्ख, फुलिस मीन्स मूर्ख। वो जो रोड है वो बोलती है उन्हें यू फुलिस बर्ड, कांट यू सी मतलब मूर्ख बर्ड, क्या तुम देख नहीं सकती, आई एम वाइड अवेक, मैं क्या हो चुकी हूँ, मैं जग चुकी हूँ। कौन बोल रहे हैं ऐसा, जो रोड है वो कह रही है, बिकॉज अभी भी जो स्पैरो एंड क्रो है वो चेरप चेरप एंड काव काव करके क्या कर रहे हैं, उसे वेकअप वेकअप बोल रहे हैं, मतलब उठने के लिए बोल रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ। तो जो रोड है वो कह रही है कि कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते, यू फुलिश बर्ड, मूर्ख बर्ड, तुम मूर्ख हो, आई एम वाइड अवेक, मतलब मैं क्या हो चुकी हूँ, जग चुकी हूँ। अब टेल मी डियर स्टूडेंट्स, कैसे पता चला आपको कि रोड जग चुकी है, बिकॉज एट फर्स्ट तो जो बर्ड थी वो क्या थी, स्लिप कर रही थी, सो रही थी, पर जैसे ही उस पर सभी लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से जो है सभी लोगों ने उस पर से जाना स्टार्ट कर दिया, मीन सभी लोग अपने अपने बर्ड्स जो है सभी लोग बैकअप हो गई, वो भी जाने लगी, जो न्यूज़पेपर बॉय है वो भी उस रोड से जाने लगा, मतलब सभी लोग अब स्लोली स्लोली क्या करने लगे, वहाँ से जाने लगे रोड से, इसका मतलब कि जो अब रोड है वो क्या हो चुकी है, जग चुकी है। ओके, तो ये थी आपकी पोयम।